सात आठ सालों से इस नदी की सफाई नहीं हुई थी। हमने सफाई करने की खुद ही कोशिश की, चार पाँच दिनों से ये सारे स्टूडेंट्स हैं, अंडर मैट्रिक सारे स्टूडेंट्स हैं, काम कर रहे थे। और कल म्यूनसिपलिटी कमेटी से कुछ लोग आके अपने बैनर लेके वो यहाँ पे फोटो शूट करते हैं कि किस चीज़ के लिए, अपने पेज पर चढ़ाने के लिए, कुछ उस पर हैशटैग यूज़ करने के लिए, ताकि वो अपना इससे फ़ायदा उठा सके। जबकि ये सारी मेहनत इन बच्चों ने की है, ये छोटे छोटे बच्चे अपना स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के, बाकी चीज़ें छोड़ के ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो मागा में, ये दो मिनट में पहुँच जाते हैं बिल्डिंग गिराने के लिए। मगर जब इनका वो बाकी जो काम है, सफाई का काम जो म्यूनसिपलिटी का जानी जाती है सफाई के लिए, वो यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको मागा में दिखाई नहीं देगी। हम डायरेक्ट मैम से कहते हैं कि खासकर इस मामले में इसको नोटिस में लाया जाए, क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्यों उन बच्चों की हौसला अफजाई में ये लोग इससे कमी करते हैं कि ये लोग ऐसा दोबारा काम ही ना करें। ये अगर अपने लिए कर रहे हैं तो इन्हें करने दें। क्या हम अब इस नदी की सफाई करेंगे? जब हमने सफाई की, तीसरे दिन चौथे दिन म्यूनसिपल कमेटी वाले आए, उन्होंने एक बोर्ड यहाँ पे लगाया था कि ये काम हमने किया है, क्योंकि वो बिल निकालने के लिए, अपने पैसे हेड़ने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए हम इस नाले में सफाई कर रहे थे और म्यूनसिपल कमेटी आ रहे हैं वहाँ से, वो फोटोग्राफ उठा के चले गए, वो फेसबुक पे अपलोड करे ऐसे वैसे। अब हम चाहते हैं इस पर सख्त कार्रवाई हो जल्दी से। वो अपना बैनर लगा के कुछ वो ये चल रही है, हाँ फोटोग्राफ उठा रहे हैं, वो आए और उन्होंने मतलब ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ये बच्चे इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बड़ी मसरत हुई मुझे जब मैंने ये देखा कि वो वॉलंटियरली उसकी सफाई नदी की कर रहे थे। तो इंशाल्लाह रहमान मैंने सोचा है कि 15 अगस्त के दिन हम उनको इनवाइट करेंगे, हम उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे इस सिलसिले में कि हमने ऐसा अच्छा काम किया। रही बात ये फ़ोटोशूट की, ऐसी बात नहीं है, हमारा प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त बीमारी भगाओ सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, उस सिलसिले में हम रोज़मर्रा काम करते रहते हैं। तो परसों जब हमारा टीम वहाँ पे गया है, वहाँ पे इन्हीं बच्चों ने जो वहाँ पे कूड़ा करकट इस नदी से निकाला था, वो हमने बाजाबता वहाँ पे वो रिकवर करके अपनी डंप साइट पे वो डंप किया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो अभी रिकवर नहीं हुआ। नहीं, कुछ आठ जगहों पर रह गया होगा, वो हम इंशाल्लाह उठाएंगे।